गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सभी कैसे हैं? पिछला वीडियो मैंने रेलवे पर बनाया था और आप लोगों का कमेंट भी आया था कि सर कुछ टॉपिक को बताइए उसमें। तो निश्चित तौर पर मैं वीडियो में रेलवे के ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स पढ़ाऊंगा। लेकिन आज इस वीडियो में यूपीएससी का मैं क्वेश्चन एनालिसिस करना चाहता हूं। जो 4 तारीख को संडे को जो टेस्ट हुआ यूपीएससी के द्वारा 2020 में, उससे संबंधित कौन कौन सेक्शन से क्वेश्चन कितने आए वो मैं क्लियर करना चाहता हूं। इसका फायदा उन छात्रों को होगा जो 2021 में यूपीएससी देना चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट होता है और बिना क्वेश्चन एनालिसिस किए हुए अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत परेशानी होती है। जितने सारे छात्र छात्राएं हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप इस साल के क्वेश्चन के पैटर्न को अच्छी तरह से जानें। तो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन के पैटर्न को आपको बताऊंगा और कुछ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, सो डेट कि 2021 में आप यूपीएससी की अच्छे ढंग से तैयारी कर सके और कौन कौन सेक्शन से क्वेश्चन आया है वो मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूं। तो सबसे पहले मैं नंबर को क्लियर कर रहा हूं। इस बार यूपीएससी 2020 में जीएस पेपर 1 का जो 100 क्वेश्चन आया सी सेट के तहत, उसमें इंडियन पॉलिटी से 19 क्वेश्चन पूछे गए, इकोनॉमिक्स से 18 प्रश्न पूछे गए हैं, मिसलेनियस यानी विविध से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, बायोलॉजी से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, ज्योग्राफी से 29 प्रश्न पूछे गए जो सबसे अधिक प्रश्न पूछे गए हैं, हिस्ट्री से 18 प्रश्न पूछे गए हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी तकनीक से 10 प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इस साल के प्रश्न यह है कि करंट अफेयर्स लगभग नहीं है, कुछ प्रश्न है भी तो ट्रेडिशन के साथ घुसा हुआ, यानी शुद्ध करंट अफेयर्स के प्रश्न एक भी पूछे नहीं गए हैं। अब हमें यह देखना है कि हिस्ट्री में, पॉलिटी में कौन कौन सेक्शन से कितना कितना प्रश्न पूछा गया है और कौन कौन सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये जानना चाहिए और इसका लाभ हमें 2021 में मिलेगा, टेस्ट में मिलेगा, सेक्शन को पढ़ने मिलेगा, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, थैंक यू। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस वर्ष ज्योग्राफी से कितने प्रश्न कहां कहां खंड से पूछे गए हैं और कौन महत्वपूर्ण है। ज्योग्राफी बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन यूपीएससी इस बार क्या किया है, कुछ खास चैप्टर को फोकस किया है। और जैसा मैं क्लास में बताता हूं कि पर्यावरण से क्वेश्चन सबसे अधिक पूछा जाता है और जो इस बार भी दिखा और जो मेरे छात्र क्लास में पढ़ते हैं उन्हें मालूम है कि मैं इस सेक्शन पर सबसे अधिक फोकस करने के लिए बोलता हूं और जो इस बार दिखा भी है। प्रश्न का पैटर्न कुछ इस प्रकार है, क्वेश्चन कृषि से पूछे गए हैं जिसमें उसकी तकनीक, फसल उत्पादन, इन पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। खनिज से 1 प्रश्न पूछा गया है, पर्यावरण से 9 प्रश्न पूछे गए हैं, नदी से क्वेश्चन पूछा गया है कौन नदी किस सागर में जाकर मिलती है, हिमनद से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, स्थान से क्वेश्चन पूछा गया है, चक्रवात साइक्लोन जेट स्ट्रीम इससे क्वेश्चन पूछा गया है और नेशनल पार्क बायोस्फीयर इनसे 6 प्रश्न पूछे गए हैं। जैसा मैंने कहा आप देख लीजिए, 9 प्रश्न और 6 प्रश्न, 15 प्रश्न, ज्योग्राफी में कुल प्रश्न कितने हैं 29, 29 में से पर्यावरण और नेशनल पार्क से 15 क्वेश्चन है। आप इसकी महत्ता को समझ सकते हैं। इसलिए जब भी आप यूपीएससी की तैयारी कीजिए 2021 की, तो आज भी पर्यावरण और उद्यान पर सबसे अधिक फोकस कीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं, एकदम सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन, कौन सा नेशनल पार्क कहां स्थित है। जैसे अगर आप क्वेश्चन को ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताइए कि बारासिंघा के लिए कौन सा महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, कौन बायोस्फीयर है, हाथी के कैरेक्टर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए ये ध्यान रखना है हिमनद में कौन, हिमनद कहां है, स्थान में कृष्ण पर स्थान दिया गया है उसे संबंधित सवाल है, चक्रवात में बहुत हल्के प्रश्न पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट ज्योग्राफी पर यही है और ये बहुत इजी है और आपको क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन का दिक्कत है तो क्वेश्चन भी आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे इसी सेक्शन में। तो ये आपकी ज्योग्राफी के यूपीएससी का प्रश्न है जो इस बात को प्रमाणित करता है कि सबसे अधिक प्रश्न पर्यावरण उद्यान से पूछे जाते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताता हूं, ठीक है। चलिए अब इकोनॉमिक्स के बारे में देखते हैं। इकोनॉमिक्स में जो प्रश्न है वो 18 प्रश्न पूछे गए, इसमें कहां कहां से क्वेश्चन है, आईएमएफ से क्वेश्चन है कि जो गोल्ड ट्रेंच है उसका संबंध किससे है, बैंक से सबसे अधिक प्रश्न पूछा गया है, ऋण का प्रकार, कुछ शब्दावली, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ टर्म पूछे गए हैं।
उदारीकरण से क्वेश्चन पूछा गया है, डब्ल्यूटीओ से क्वेश्चन क्लेम्स के बारे में पूछा गया है, ऋण की कौन गैर वित्तीय ऋण है इसके बारे में पूछा क्वेश्चन पूछा गया है, एफडीआई के लोकेशन पूछे गए हैं, व्यापार आंकड़ा से प्रश्न पूछा गया है कि कौन अधिक है कौन है, किस देश के साथ व्यापार ज्यादा होता है कम होता है, इस टाइप के क्वेश्चन है, समूह G20 के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है और योजना के बारे में क्वेश्चन हो गया। आपको अगर याद होगा इकोनॉमिक्स में मेरे द्वारा क्लास में जो बताए जाते थे इसी सेक्शन से, अगर आप पहले से पढ़ रहे होंगे तो भी इसी फॉर्मेट पढ़ना है और 2020 के लिए भी लगभग यही फॉर्मेट है। क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा कि सब ट्रेडिशनल क्वेश्चन है और ट्रेडिशन के साथ साथ उसमें करंट को जोड़ दिया है, व्यापार आंकड़ा करंट के साथ जोड़ दिया है, योजना करंट से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन जैसे ऋण है या ट्रेन्स है या उदारीकरण के बारे में या बैंकों की शब्दावली सब परंपरागत प्रश्न है जिसको करंट से जोड़ दिया है, तो इतना बहुत अच्छा और आसानी से सॉल्व करने वाले प्रश्न है और इन्हीं सेक्शन पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट टाइम भी हम लोग को इसी पर फोकस करना चाहिए। तो जो छात्र पहली बार तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, वो सबसे अधिक इन सब चैप्टर्स में तैयारी के लिए अच्छा होगा, यद्यपि यह इस साल का प्रश्न का प्रारूप है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आपको बता देता हूं। चलिए हिस्ट्री को देखते हैं। इतिहास में प्रश्न पिछले बार थोड़े कम थे, उसके पहले और कम थे, यानी 2019 और 18 में, इस बार हिस्ट्री क्वेश्चन बहुत बढ़ गया 18 है। और प्रश्न कहां से, बहुत इजी प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम से क्वेश्चन पूछे गए, गांधी जी के आंदोलन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, धार्मिक इतिहास से और सांस्कृतिक इतिहास से प्रश्न पूछे गए हैं, राजवंशों के बारे में पूछा गया कि राजवंश में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पदनाम है यानी शब्दावली जो बहुत सारे होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ, औद्योगिक क्रांति से प्रश्न कम पूछे जाते थे, इस बार औद्योगिक क्रांति से क्वेश्चन पूछे गए हैं और प्राचीन घटनाक्रम को सेट करने दिया कि कौन घटना पहले हुआ कौन घटना बाद में है उसको क्रम में सेट कीजिए। स्वतंत्रता संग्राम और गांधी जी के आंदोलन में आप देखिएगा तो गांधी इरविन समझौता क्वेश्चन पूछा है, वेलेजली के समय जो विलियम फोर्ट था उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी जो प्रश्न है वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा परेशान होने वाले प्रश्न नहीं है। इसका उत्तर अगर आप चाहेंगे तो आराम से एनसीईआरटी से या फिर साधारण से टेक्स्ट बुक्स में मिल जाता है। और जो इतिहास के प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और इस बार इन्हीं चार सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आप इसको देख सकते हैं, यानी प्रश्न और इसमें भी ध्यान रखना स्वतंत्रता आंदोलन गांधी जी का आंदोलन इन पर क्वेश्चन ज्यादा है और धार्मिक इतिहास और सांस्कृतिक इतिहास पर इस पर दो प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये इतिहास से संबंधित प्रश्न है, ठीक है, थैंक यू। चलिए पॉलिटी के बारे में बताते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स जो प्रश्न है एकदम परंपरागत बहुत अच्छा प्रश्न है, इंडियन पॉलिटिक्स तो सबसे अच्छा प्रश्न है, संघीय व्यवस्था से प्रश्न है, संविधान में कुछ पद है उसके बारे में प्रश्न है, क्षेत्र विकास योजना जो सांसद क्षेत्र विकास योजना उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है, एक प्रश्न गांधी जी के दर्शन पर है, उद्देशिका से प्रश्न एक प्रश्न पूछा गया है, राज्यसभा से एक प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रपति से प्रश्न पूछे गए हैं, मूल अधिकार से प्रश्न पूछे गए हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। इनमें अगर आप प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन के आधार पर तो मूल अधिकार राष्ट्रपति राज्यसभा उद्देशिका इनके प्रश्न सबसे हल्के हैं। गांधी दर्शन जो ठीक से नहीं पढ़े उनके लिए थोड़ी समस्या हो सकती है। तो प्रश्न का प्रारूप जो है वही है जो जनरल स्टूडेंट पढ़ते हैं। यदि ध्यान से डीडी बसु या संबंधित कोई टेक्स्ट बुक पढ़ लिया जाए तो पॉलिटी के एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, आप देखकर खुद समझेंगे सरलता से कि ये प्रश्न है। और जहां तक संस्था की बात है तो आशीष सर इसको पढ़ाए हुए हैं और ये सभी प्रश्न बहुत अच्छे ढंग से हैं और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आशीष सर इन सबको एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है, थैंक यू। जैसे मैंने आपको बताया कि तकनीक पर कुल 10 प्रश्न पूछे गए, इनको ध्यान से देखिए तो मानव जनन से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इस सब के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लॉकचेन जो बहुत इंपॉर्टेंट था अक्सर मैगजीन में छप रहे थे उस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, संचार व्यवस्था में वीएलसी पे एक प्रश्न पूछा गया है, कार्बन नैनो ट्यूब क्या होता है उस पर क्वेश्चन पूछा गया है, खेती की एक दो तकनीक पर क्वेश्चन पूछे गए हैं और अंतरिक्ष अभियान पर क्वेश्चन पूछा गया है। ये सभी करेंट अफेयर्स ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी इसके अंतर्गत आता है। इसका मतलब ये है कोई भी ऐसा इसमें प्रश्न नहीं है जो हटकर है, जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है और प्रतियोगिता परीक्षा क्रम में आपने कभी ना कभी इसको पढ़ा है। इसलिए तकनीक के प्रश्न भी इस बार बहुत टफ नहीं माने गए हैं, बहुत सरलता से प्रश्न पूछा गया है जो गंभीरता से बनाएंगे इन सभी सेक्शन को आराम से बना सकते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के बहुत चर्चा में है, स्वाभाविक रूप से इसमें क्वेश्चन पूछा गया,
ब्लॉकचेन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लॉकचेन इस पर भी क्वेश्चन पूछे गए क्योंकि आजकल वो भी चर्चा में है, और जो खेती है, खेती के जो नए नए तकनीक आ रहे हैं ऑब्वियसली उस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, थैंक यू। बायोलॉजी को प्रश्न अगर आप ध्यान से देखिए तो तीन प्रश्न पूछे गए, तीनों वही जो परंपरागत रूप से पढ़ते हैं। अभी बहुत वैक्सीन की चर्चा है, देखिए वैक्सीन से क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन वैक्सीन में कोरोना वैक्सीन नहीं पूछा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। न्यूमोनिया संदर्भ पूछा है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर, उससे क्वेश्चन पूछा गया, और जेनेटिकली मॉडिफाइड जो टेक्नोलॉजी है, जीन तकनीक, जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। परंपरागत है, ऐसा कुछ नहीं, चूंकि चर्चा में वैक्सीन है वैक्सीन से क्वेश्चन पूछा है, ये एकदम परंपरागत प्रश्न होते हैं। जंतु और पादप कोशिका में अंतर, उससे क्वेश्चन पूछा, जेनेटिक इंजीनियरिंग एकदम परंपरागत है, उससे क्वेश्चन पूछा गया। तो बायोलॉजी तो बहुत हल्का प्रश्न है। एक बात और, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के प्रश्न लगभग इस बार नहीं है। फिजिक्स अगर आप मान भी लेते हैं तो टेक्नोलॉजी में कुछ एक दो प्रश्न है, जैसे संचार व्यवस्था में है, वीएलसी में, लेकिन जिसको ट्रू फिजिक्स कहते हैं एकदम शुद्ध रूप से, एक भी प्रश्न नहीं है। केमिस्ट्री के एक भी प्रश्न नहीं है, और बायोलॉजी के प्रश्न जैसा हमेशा रहता है इस बार भी है, और तीन ही सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी साइंस में तकनीक को हटा दीजिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रश्न नहीं है, बायोलॉजी में इन्हीं तीन खंड से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, थैंक यू। तो यदि हम सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें, अब बचते हैं विविध। विविध में एक परमाणु रिएक्टर संबंधित सवाल पूछा गया है, एमएसपी में जो बहुत चर्चा आज की डेट में, एमएसपी से क्वेश्चन पूछा गया कृषि संबंधित। तो यूपीएससी 2020 के प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए तो सबसे अधिक प्रश्न किससे पूछे गए, ज्योग्राफी के, फिर इकोनॉमिक्स के प्रश्न है, फिर हिस्ट्री के प्रश्न है, फिर पॉलिटी के प्रश्न है, और फिर तकनीक के प्रश्न है। करंट अफेयर्स नहीं है, फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है। हमें इसी को ध्यान में रखकर 2021 के आधार पर पढ़ना चाहिए। हम लोग की कोशिश ये होगी कि सबसे पहले आप पढ़ने से पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लें। ये तो मैंने इस वीडियो में अभी आपको सिर्फ ये बताया कौन सेक्शन से कौन सा क्वेश्चन है। अब पूरा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में आशीष सर आपको करेंगे, उसमें आपको ये बताएंगे कि पॉलिटी में कौन सेक्शन क्वेश्चन है, क्वेश्चन बताएंगे, उसका आंसर बताएंगे, क्या सही होना चाहिए, कहां से उसको पढ़ना चाहिए, ताकि आपका ये भी कंफ्यूजन दूर रहे। और कुछ पेपर जैसे इकोनॉमिक्स है या ज्योग्राफी है, पर्यावरण का सेक्शन है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पर्यावरण का जो क्वेश्चन है, जो उद्यान का है या ज्योग्राफी हिमनदी का, वो कहां से पूछा, किस किताब से हम उसका अध्ययन करें, सबसे महत्वपूर्ण है किस किताब से अध्ययन करें। लड़के इसी में कंफ्यूज कर जाते हैं, किताब की भीड़ में पढ़े रहते हैं, और एकदम सिंपल सिंपल किताब से क्वेश्चन पूछा गया है, तो किस किताब से आप पढ़े, सरलता से उसका उत्तर मिल जाएगा। और इस ये जो पैटर्न, यही पैटर्न नेक्स्ट ईयर भी रहेगा, ऐसा कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो यदि अभी से हम समझ जाए कि नेक्स्ट ईयर हमें किस बुक पर और कहां फोकस करना चाहिए, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको ये जरूर बताया जाएगा एक्सप्लेनेशन के साथ। आज सिर्फ ये बताया गया किस सेक्शन से क्वेश्चन कितना पूछा गया है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम ये बता रहे हैं कि ज्योग्राफी में पर्यावरण से कौन कौन क्वेश्चन आया, उसका आंसर क्या है, और उसे किस किताब से पढ़ना चाहिए, पॉलिटी में क्या होना चाहिए। इसके लिए आशीष सर भी एक वीडियो बनाएंगे और इसके लिए एक वीडियो मैं भी बनाऊंगा। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, जिसमें अगर इसमें कुछ त्रुटि है तो आप उसको बता सकते हैं, इसका लाभ उठाइए और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में हम लोग ये बताएंगे कि एक्चुअल में इन सब सेक्शन को हम किस किताब से पढ़े और कहां कहां से आया था, ये आपको लाइन बाय लाइन दिखाया जाएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आप सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।